Assalamu alaikum guys, I'm your friend Haider Ali Shah and you are watching Tectonic Dreams. दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि छोटे पोर्टफोलियो वाले मतलब जिनके पोर्टफोलियो में 100 डॉलर्स हैं या 200 डॉलर्स हैं या 300 डॉलर्स हैं तो वो अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज करेंगे और अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, उसके पास 200 डॉलर्स हैं या 300 डॉलर्स हैं तो आप 200 300 डॉलर्स के हिसाब से कौन से क्वाइंस लेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म में या स्केल्पिंग में या लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स दे सकता है। ठीक है, लेट्स हेड ओवर टू माय पोर्टफोलियो। आई एम यूजिंग बाइनेंस एंड यहाँ पे मैं आपको क्वाइंस दिखा दूँ। सबसे बेहतरीन क्वाइन कार्डेनो है जो आजकल ऑलमोस्ट 8 नंबर पे है, 8 पोजीशन पे है। आप इसको ब्राउज कर लें, इसको देख लें। ठीक है, यहाँ इसकी आप इनफो देख सकते हैं, इट इज़ करंटली ऑन नंबर 8 एंड इसकी सप्लाई भी देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप भी देख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, जो इसकी गोल्स है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फॉर द कमिंग ईयर्स, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस टाइम इसकी प्राइस जो है वो 0.49 सेंट्स है। सपोज़ आपके पास 100 डॉलर्स हैं, ठीक है, सो लेट्स बाय इट विद 100 डॉलर्स। आप यहाँ पे 100 डॉलर्स लिखते हैं, आपके 100 डॉलर्स के 202 क्वाइंस आते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वाइंस आप यहाँ से कॉपी कर लें, क्वाइंस की तादाद, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लें। लेट मी शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू व्हेन इट्स प्राइस गोज़ बाय 1 सेंट अप। अब हमें पता है कि 1 डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास 200 क्वाइंस हैं, तो अगर आपका आपने जो ये बाइंग की है ये परसेंट के हिसाब से ज़्यादा होता है तो आपको दो दो डॉलर्स का फ़ायदा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 0.49 पे बाई किया और ये इसकी प्राइस हो गई 0.50। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट वन डॉलर प्रॉफिट पड़ गया। अच्छा, इसको कर दो 5-1, 2 डॉलर्स आपको प्रॉफिट पड़ गए। ठीक है, 5-2 कर दो, दो दो डॉलर्स जो है वो बढ़ रहे हैं आपके, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9 एंड 6-0, मतलब 11 सेंट्स। जब ये इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई तो आपको ऑलमोस्ट 21 डॉलर्स का फ़ायदा हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये 100 डॉलर्स के लिए है। इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारे क्वाइन बता सकता हूँ, लेकिन कार्डानो में इसलिए आपको बताता हूँ कि ये ऑलरेडी टॉप 10 में है। तो जो टॉप 10 वाले क्वाइंस होते हैं उनमें एक अच्छी बात ये होती है कि जब मार्केट लॉस में चला जाता है मतलब डिप में चला जाता है तो इनकी रिकवरी बहुत तेज़ होती है। तो वहाँ पर अगर आपके पास DCA के लिए पैसे नहीं है, एक्स्ट्रा डॉलर्स नहीं रखे आपने, तो इनकी रिकवरी वैसे भी जल्दी होनी है तो आप उस मतलब उस चीज़ की फ़िक्र से मतलब आपको उन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती। तो जिन लोगों के 100 डॉलर्स 200 डॉलर्स की पोर्टफोलियो है वो इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर द नेक्स्ट टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।